नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 से मैं आरिफ खान। कल रीवा शहर में देर रात्रि एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें ट्रेन हादसे में एक वरिष्ठ पायलट की मौत हो गई है, जबकि प्रशिक्षु पायलट गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा इतना विभत्स था, यदि कहीं सिटी के अंदर गिरता तो कई जनहानि हो सकती थी। अब सवाल यह उठता है कि यह हादसा क्यों हुआ, आखिर जिम्मेदार इसके बारे में क्या कहते हैं। हम अभी आपके साथ बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि ये हमारे साथ बैठे हैं रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, ये भी इस नगर के एक जिम्मेदार नागरिक है। हम इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इस हादसे की असली वजह क्या हो सकती है। तो आप ये बताइए कि कल एक ऐसा हादसा हुआ है जो अभी यदि किसी जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके में होता तो कई जनहानि होती, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। देखिए, पहली बात तो जिला प्रशासन को इसकी बड़ी जांच करनी चाहिए कि ये ट्रेनिंग कैंप जो ट्रेनिंग के सेंटर दिया गया फाल्कन एविएशन एकेडमी को, जो फैजाबादी कंपनी है, उसके मापदंड क्या थे। उनको इसकी अनुमति देने के पहले, क्योंकि ये ठीक है कि केंद्र से संचालित होता है, पर जिला तो जिला मुख्यालय के कलेक्टर हेड होते हैं, उसके संभागीय मुख्यालय कमिश्नर हेड होते हैं, तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि ये इसके क्या नाम्स हैं, क्या नियम हैं, कितने हाइट तक ये उड़ सकता है, कौन से प्लेन उड़ाए जा सकते हैं, कितनी देर विजिबिलिटी में उड़ाए जा सकते हैं। मतलब आपको मैं बता दूं कि इतनी बड़ी निगलिजेंसी कहलाएगी ये कि अगर वो मंदिर ना होता तो सामने वाले के घर में चला जाता और क्या हो जाता, कितनी जनहानि हो जाती, इसका कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। 60 साल का वरिष्ठ प्रशिक्षक जो प्रशिक्षण दे रहा है, क्या कोई इनकी आयु सीमा होती है कि मतलब इतना वर्ष इनका ये होगा, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी है कि प्लेन में एक 60 वर्ष का आदमी प्रशिक्षण दे रहा है, तो क्या इसका कोई नियम होता है कि कौन आएगा, कौन देखेगा और कौन उसको प्रशिक्षण करेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ये फाल्कन एविएशन अकेडमी है, ये उत्तर प्रदेश फैजाबाद की है। 27 अप्रैल 2018 को भी फैजाबाद में इस कंपनी का एक प्लेन क्रैश हो गया था और फैजाबाद में इस फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। फैजाबाद में ही इसका सस्पेंड हो गया था, क्योंकि रीवा हवाई पट्टी में ACT का कंट्रोल टावर नहीं है, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर यहाँ ACT का कंट्रोल टावर होता तो इनको अनुमति ही ना मिलती। ACT के कंट्रोल टावर न होने के कारण यहाँ पर ये जो फैजाबाद की फाल्कन एविएशन एकेडमी है, इसने यहाँ पर अपना कार्य चालू किया और नियमित प्रशिक्षण गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। ये यहाँ पर इनको ये था कि हम यहाँ पर फ्लाइंग स्कूल चालू करेंगे, संचालित करेंगे, पर इन्होंने किसी भी यहाँ के लड़के को एडमिशन नहीं दिया और ये बाहर से मतलब संचालित करेंगे, इनका कहना था, और ना ही संस्था का विस्तार प्रशिक्षण संस्थान इन्होंने यहाँ पर चालू किया। ये दो चीज़ें इनके मापदंड थी, जिनको जब इनको ये डिस्ट्रिक्ट दी गई तो इसमें ये मापदंड था कि आप यहाँ के लोकल लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, इनको स्कूल खोलेंगे फ्लाइंग का, इनको प्रशिक्षण देंगे, और दूसरा यह था कि अपने जो इनकी संस्था है उसका विस्तार करेंगे प्रशिक्षण के लिए, पर इन्होंने वो भी नहीं किया। बाहर के छात्रों को गोपनीय तरीके से लाते थे, जो इन्होंने फैजाबाद में एडमिशन दे रखा था, क्योंकि इनका लाइसेंस निरस्त हो गया था वहाँ, तो ये बाहर के छात्रों को गोपनीय तरीके से लाते थे और यहाँ प्रशिक्षण कराते थे। आप देखिए कि जो छात्र है वो राजस्थान का है, रीवा का तो नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम अपने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोल के बाहुबाही लूटे, यहाँ के किसी भी छात्र को हमने एडमिशन नहीं दिया, यहाँ पर अवैध गतिविधियों से हमने प्रशिक्षण शाला अपनी चालू कर दी है, और सबसे बड़ी बात ACT का कंट्रोल टावर ना होने का फायदा भी उठाया। जबकि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि DGCA के नियम अनुसार जमीन से 2000 फीट से कम ऊंचाई पर उड़ान का प्रशिक्षण देने की अनुमति नहीं मिलती है। जो इनका मापदंड है DGCA के,
उसमें यह है साथ साथ कि 2000 फीट से ऊपर जमीन का ही प्रशिक्षण आप दे सकते हैं, उससे नीचे के प्रशिक्षण देने की अनुमति नहीं है। ये सारा जो खेल हुआ ये कंट्रोल टावर ना होने के कारण हुआ। और एक चीज़ मेरे को और जानकारी मिली है कि 19/12/2022 को इनका यहाँ का अनुबंध भी समाप्त हुआ है, या कि लाइसेंस, ये पूरी जानकारी नहीं हुई है। तो ये भी है, अगर इनका लाइसेंस समाप्त हो गया 19/12/2022 को, तो इसके बाद तो हादसा आज हो रहा है रात की 5 तारीख को रात को 11 बजे। कल मात्र 20 फीट की ऊंचाई में एक पेड़ से प्लेन टकराता है और 15 फीट की ऊंचाई में उस मंदिर के चुंडे में टकरा के गिर जाता है। यदि उस मंदिर में न टकराता सीधे उस घर के अंदर जा रहा था वो, तो ये कितनी बड़ी लापरवाही, क्या इसके ऊपर कोई नज़र रखने वाला नहीं है आपके रिवाज, या फिर ये आपका ये जो कहना है कि नेता जी हैं तो सब मुमकिन है, क्या ये सही है? नेता जी हैं तो सब मुमकिन है। क्या है, अंधा बाटे रेवड़ी अचीन चीन के देही। रीवा में आपको जो ये अधूरा विकास, असुनियोजित विकास, मुंह का विकास, ये जो चल रहा है उसी का ही परिणाम है, उसी का परिणाम है। नेताजी इलाहाबाद से आते हैं, मेरे को एक 2-1.5 साल पहले का वीडियो याद है, सुहागी पहाड़ में खड़े होकर निरीक्षण करते हैं सड़क का। उस जहां निरीक्षण कर रहे हैं वहीं रोज हादसे हो रहे हैं। योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कभी कभी, ऐसा लगता है कि आदमी जिस विधा का पढ़ा लिखा है और उसी में पला पुसा है, अगर वही काम गड़बड़ हो रहा तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, ये भ्रष्टाचार की बुआ रही। चौराहा से रतारा का सड़क का काम अभी समाप्त नहीं हो पा रहा, 19 साल हो जाएगा। आप रीवा के प्रथम नागरिक हैं, आज एक इतना हादसा हुआ है, यदि यही स्थिति रही तो एक दिन बड़ा हादसा हो सकता है, इसके लिए आप कहां तक आवाज उठाएं? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से रीवा की जनता से भी अपील कर रहा हूं कि रीवा की जनता जागरूक है, यहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सारे लोग हैं। रीवा की जनता इस मुद्दे को सड़क पर ले आए, जो वहाँ के किसान हैं वो सड़क पे आए, मैं उनके साथ खड़े होने को तैयार हूँ कि भाई आप हमारी ज़मीन हवाई अड्डा के चौड़ीकरण के नाम पे आप ले रहे हैं, सुरक्षा का कोई मापदंड का ख्याल नहीं है, एक आपने ट्रेनिंग सेंटर कंपनी को दे दिया फाल्कन एडमिशन एकेडमी को जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश की है, कोई मापदंड उसका नहीं मालूम है, कैसे प्लेन हैं, किस स्थिति के प्लेन हैं, जो पायलट है उनकी 60 साल की उम्र है, उनको अनुमति थी चलाने की, ट्रेनिंग देने की कि नहीं, ये सब बातें जिला प्रशासन के पास राइटिंग में होनी चाहिए और जिला प्रशासन को उड़ेन विभाग से इसको क्लेरिफिकेशन लेना चाहिए। भाई जब ACT का टावर यहाँ पर कंट्रोल टावर नहीं है उसका फायदा उठा रहे हैं वो, तो ये तो जब अगर मेरे जैसे एक सामान्य आदमी को ये मालूम है तो जिला प्रशासन को भी मालूम होगा कि ACT का कंट्रोल टावर यहाँ पर नहीं है। अगर ACT का कंट्रोल टावर होता तो जिस तरह 2018 में इनका प्लेन वहाँ फैजाबाद में क्रेश हुआ था 27 अप्रैल को, तो इनको यहाँ अनुमति ही ना मिलती। इसीलिए इन्होंने फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर स्कूल के नाम से इसकी अनुमति ली, तो एक भी छात्रों को एडमिशन नहीं दिया। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लोग हैं और जो यहाँ के विधायक हैं MLA श्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनको सब मालूम है, ये सब मिली भगत थी। दो लोगों के एक घायल हैं और एक ख़त्म हो गए, दो जाने इस एक हादसे में जाने की, एक जान चली गई एक चली गई। अगर यही थोड़ा सा और 10 फीट आगे उनके घर में चला जाता तो कितनी अच्छा। एक चीज़ आप सोचो कि वो विस्फोट नहीं हुआ, अगर विस्फोट हो जाता तो पुराना घर बना है उसके उसके वाइब्रेशन से दहल जाता, गिर जाता। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिले के प्रशासन को, कि प्रशासन को ऐसी कोई भी गतिविधियाँ जो शहर में चालू हों उस पर विशेष ध्यान दें और कृपया करके किसी के दबाव में आकर कार्य न करें कि आगे पुनः इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। मैं शासन को पत्र लिखूंगा और इसकी जांच कराने की।